तरंग, नई जोश नई पहल, सहयोग द्वारा जेंडर व सामाजिक न्याय में किशोरों की भागीदारी अंतर्गत किशोर किशोरी चौपाल कहानियों में आप सबका स्वागत है। अब इस कहानी में सुने वीर्य स्खलन व किशोरावस्था, अमर की कहानी गीले सपने। अमर की माँ, सुन, अमर इन दिनों कुछ उलझन में दिख रहा है। कभी पूछा उसे क्या तकलीफ है? मुझे तो कमजोर भी लग रहा है। लगता है उम्र के साथ तुम्हारी अकल भी बूढ़ी हो गई है। अरे अमर की दाढ़ी मूंछ उगने लगी है, अब क्या वो अपनी तकलीफें मुझे बताएगा? हाँ, तूने सही कहा, अगले संडे बात करता हूँ। माँ, किचन में कुछ मदद करूँ? नहीं रे, सब काम निपटा लिया। आ, तू नाश्ता कर। अरे अमर, तू दुबला क्यों हो गया? माँ, नहीं तो कहाँ दुबला हो रहा हूँ। बेटा, कोई तकलीफ है तो बता, तेरे पिता डॉक्टर को दिखा देंगे। नहीं माँ, मेरी फिक्र छोड़ो, मैं स्कूल जा रहा हूँ। विक्की रुक, मैं आ गया। ठीक है, जल्दी आ। विक्की सुन, अब तो मेरे घर में भी शायद मेरी बीमारी का पता चल गया है। सुन, मेरे घर में भी पिताजी डांटने लगे हैं, कह रहे हैं गलत संगत में पड़ गया होगा। विक्की, मुझे हफ्ते 10 दिन में रोज नींद में गुदगुदी होती है, फिर गीले सपने आते हैं। मैं सुबह सुबह बाथरूम में अपना अंडरगार्मेंट्स बदल लेता हूँ। सुन, पता है राजा क्या कह रहा था? ये गुप्त बीमारी है, इसका इलाज बड़ी मुश्किल से होता है। बता आप क्या करें? विक्की, जो होगा देखा जाएगा, किसी को पता ना चले हमारी गुप्त बीमारी। बस अमर, विक्की को फोन लगा जरा, कुछ काम है। क्यों, क्या काम है पापा? अरे डरो मत, तुम्हारे लिए किशोरों की फिल्म लेके आया हूँ, दोनों देखना। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ पापा। हेलो, हाँ अमर, क्या बात है, कैसे याद किया? विक्की, पिताजी कह रहे हैं किशोरों की एक फिल्म लाया हूँ, तुम देखो। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? विक्की आ, देखी जाएगी, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अंकल नमस्ते। अरे आओ बेटा, तुम्हारे पिता कैसे हैं? लो, अमर के कमरे में जाओ, मैं तुम दोनों के लिए एक फिल्म लेकर आया हूँ। किशोर साथियों, तरंग, नया जोश नई पहल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम किशोरावस्था में गीले सपने आना और वीर्य स्खलन होने से जुड़ी भ्रांतियों पर चर्चा करेंगे कि कैसे भ्रमित होकर किशोर खुद को गुप्त बीमारी मान लेते हैं, उन्हें दूर करेंगे। देखा, घर में सबको पता चल गया। जो होगा देखा जाएगा, पहले फिल्म देख। किशोर साथियों, किशोर अवस्था में शरीर के अंगों का विकास होता है, शरीर में परिपक्वता आने लगती है, किशोरों की जिज्ञासाएं बढ़ने लगती हैं, वे दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। इन्हीं ख्यालों में खोकर उन्हें रात को सपने आते हैं और वीर्य स्खलित हो जाता है। लेकिन हमारे समाज में इन बातों को छुपाकर रखने को कहा जाता है, और दोस्तों से भी यही सीखने को मिलता है कि ये गुप्त बीमारी है, इसका इलाज भी गुप्त तरीके से करना है। अतः किशोर युवा शर्म झिझक के कारण इन बातों को छुपा कर रखते हैं, उन्हें मानसिक तनाव होने लगता है, जबकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। शरीर परिवर्तन के साथ किशोरों को गीले सपने आना और वीर्य का निकलना कोई बीमारी नहीं है। हाँ, यदि ये लगातार होने लगे, आप कमजोरी महसूस करने लगे या लिंग में कोई तकलीफ होने लगे, तो किशोरों को अपने घर में बात करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। इससे जुड़ी भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। जैसे नाइटफॉल गुप्त बीमारी होती है, इससे लिंग छोटा हो जाता है, बाद में बच्चे पैदा नहीं होते आदि, इन गलत फहमियों से बचना चाहिए। साथियों, आपके दोस्त नाइटफॉल को लेकर आपसे किस किस तरह की बातें करते हैं? इस कहानी में अमर व विक्की के बारे में आपकी क्या राय है? नाइटफॉल से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए किशोरों की क्या भूमिका हो सकती है? उपरोक्त सवालों के जवाब आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजना है। साथियों, आपने अमर की कहानी गीले सपने सुनी, आपका धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7376529839।